सही सही सही। वैसे भी यार बर्फ़ का थोड़ा सा माहौल बनता जा रहा है, ऐसा ऐसा ऊपर से थोड़ी थोड़ी जिस तरह बर्फ़ गिरना शुरू होगी है। अब हम लोग निकलें, ज़्यादा लेट ना हो जाए। बाकी जिस तरह का होता है डांस, ये हमारी गाइड ही हमें बता सकती है डांस किस तरह का होता है। अब हमें पुराना घर भाई दिखना है, उनके रिलेटिव्स इधर थे तो वो उधर चली गई हैं। खाना वगैरह पाया जा रहा है, बाकी शॉप देखते हैं यार शॉप के अंदर कोई पसंद आती चीज़ तो। अस्सलामुअलैकुम भाई, ये कुछ चीज़ें देख रही थी जी, क्यों नहीं? ये छोटी बच्चियों के लिए, ये बड़ों के लिए, जो जो सर के ऊपर रखती है ना लड़की, जिस तरह वो टूर गाइड जो है उन्होंने रखा हुआ है सर के ऊपर, ये भी लेडीज़ के लिए हैट्स वगैरह भी। और ये किस लिए होती है भाई ये वाली चीज़ें? ये वाला, हाँ ये सारी गले में पहनने के लिए, नेकलेस वगैरह। हाँ ठीक हो गया। ये बच्चियों के कपड़े, यहाँ पे सूट बड़े बड़े प्यारे प्यारे हैं, ये बड़ों के लिए डिफरेंट सूट। ये कपड़ा हल्का है, हम लोगों ने गाइड से पूछ लिया, उनके पास हैवी किस्म के बने होंगे ना। ज़्यादा टूरिस्ट कब आते हैं यहाँ पे? ज़्यादा टूरिस्ट मई को आते हैं। मई में जी? हाँ हाँ। इनके फेस्टिवल भी होते हैं ना, फेस्टिवल कब कब होते हैं भाई आपके? जी फेस्टिवल दिसंबर को होते हैं, 10 दिसंबर को, 15 मई को होता है। हाँ हाँ, 22 को भी था ना, इस दिसंबर 22 को भी। जी जी 22 को भी, ये 10 दिसंबर 10 की शुरू होता है। स्पेशल डांस होता है वो, मोबाइल में देख रहे थे ना आप, है पड़ा हुआ है वो, दिखाइए मोबाइल में। चले जी ये डांस, ये दिखाइए, ये जितने इवेंट होते हैं ये रात को जाना होता है जी? रात को होता है, हाँ सभी रात को, सब एक दिन होते हैं, रात को होता है, एक दिन होता है। अच्छा। इधर से उधर जाते हैं नीचे बद्रिक में। अच्छा अच्छा, डांस कहाँ पे? डांस यहाँ पे थी, मैं तो दिखाऊंगी ना, ना अभी गंजे थे सबने शेर ना। किस चीज़ की सेलिब्रेशन करते हैं ये? सेलिब्रेट ये मतलब कि नया कोई वेदर चेंज होने पे करते हैं, मौसम बदलने पे? जी जी, ये मौसम बदलने में और नए साल की खुशी के लिए, नए साल की खुशी। तो नया साल तो अब स्टार्ट हुआ है, वो एडवांस एडवांस खुशी, एडवांस खुशी मनाया। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई साहब ये नए साल की खुशी में भी ये इवेंट वगैरह होते हैं, मतलब खुशियों को ना सभी इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे ना उर्दू की काफ़ी ज़्यादा बंदों को ना नॉलेज है, समझ आती है, सभी को समझ आती है, तकरीबन तकरीबन सभी को आती है ना उर्दू। हाँ हाँ सही सही, आप भी क्लाशी हो? जी जी। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता, पर भाई मिलनसार लोग ज़्यादा ना खुशी, मतलब कि सेलिब्रेट जिस तरह बंदे करते ना, ठीक है मस्ती, हैप्पी हैप्पी फेस। लड़के सारे शलवार कमीज में और जीन्स पे आ चुके हैं, मूव हो चुके हैं, बस लड़कियों का ड्रेस जो है ना वो अभी तक भी है क्लाशियो वाला ना। लोगों ने भी कुछ कैप वगैरह परचेज कर ली यहाँ से, और छोड़ो दिखाने तो दे ये वाली कैप। यहाँ पे भाई अब ना ऊपर पुराने घर हैं वो देखने हैं हम लोगों ने। ऊपर जाना है, इधर जाना है? नहीं उधर नीचे जगह है ना, इधर जाना। चले जी, वो गाइड खड़ी है, वो आ जाए फिर बाद में चलते हैं। इधर आ, इधर जाना है। यहाँ बड़े बंदों रखते हैं ये कमरे के अंदर, ये बड़ा सा हॉल है। अच्छा यहाँ पे वो डांस वगैरह करते हैं? हाँ यहाँ पे डांस वगैरह। ये खुला होगा, लॉक होगा? हाँ लॉक लगा है, मेरे गांव में मैं शादी ना हूँ। चलो ठीक है, वो उधर से देख लेंगे भाई। ये मोटा मोटा आपको रैंडम एस्टिमेट दे दें कि जब कोई बंदा यहाँ पे फौज होता है ना जवान, तो इसकी डेड बॉडी यहाँ पे रखते हैं अंदर, तो फिर उसके साइड पर डांस वगैरह करते हैं। जो घर वाले होते हैं वो तो चलो रो रो लेते हैं, बाकी सब डांस करते हैं, ये कल्चर है इनका। शेबी की दोस्ती हो चुकी है भाई, शेबी दोस्त बन चुका है। लोकल का वगैरह इस तरह घूमना मुश्किल था बहुत ज़्यादा। इस होटल में ठहरे तो बंदे से पूछा था, पहले लोग माइंड नहीं करते थे इस तरह, और आम बंदा भी आ जाए पर अब माइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना वो छेड़छाड़ करते हैं, वही घटिया जहन लेकर आते दिमाग। ये पुरानी घर है ना? ये पुराने घर अंदर से तो दिखा दो,
अंदर से दिखा दो। हाँ किसी से पूछ ले अंदर से, अगर ज्यादा देखते तो ठीक है, नहीं देता तो पूछ ले। पूछ है जाओ, कोई मसला नहीं, जाओ जाओ, बुरा नहीं ना मनाए कोई, नहीं कोई मसला नहीं होता, चलो जी लेडीज का फायदा होगा साथ में, वरना इस तरह हम लड़के को नहीं दिखाने देते ना, देखने यहाँ पे बंदा पतला बहुत जल्दी हो जाए यार, चल चल के ना। ये हमें कलाशी भाई मिल गए, क्या हाल है? ठीक है यार। हाँ ये आप जाते हो? जी जी। मास्टर हो? हाँ काफी। चलो बजाओ, एक साइड ऊपर आ जाओ इधर ऊपर, चलो। ये ट्रेडिशन के ऊपर जाते हैं? हाँ, जब वो डांस वगैरह करता भी होता है। हाँ। वैसे चलो बजा के दिखाओ किस तरह होते। ये ना सारे इकट्ठे हो जाए फिर यहाँ डांस शुरू हो जाए। पहला नंबर तो ये सीढ़ियाँ जा रही ऊपर, इनके बच्चों के साथ चलना बहुत ज्यादा लेके चलते ना, बंदा बुरा लगता है भाई, जितना भी कोई अच्छा हो पर एथिक्स एथिक्स ही होते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, एक सेकंड पीछे लेना। ये किचन है यहाँ पे ना, यहाँ पे कुकिंग वगैरह करते हैं। बाकी यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो ये फट्टे वगैरह लगाए हुए हैं, हम लोग फट्टे बोलते हैं इसको, लकड़ी। बारिश वगैरह तो ऊपर से आती नहीं होगी, टपकती नहीं होगी, बारिश वगैरह जब आती तो टपकती नहीं है। नहीं, 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 नहीं। अब इसके अंदर क्या बना रहे हैं? ये शराब बना रहे हैं। अच्छा शराब बना रहे हैं, देसी काढ़ा। ये शराब बना रहे हैं क्योंकि इधर इनको दूसरे रिलीजन को अलाउ होता है, वो पी सकते हैं ना, इस्लाम में नहीं अलाओ, उनके लिए सख्ती है। बाकी यहाँ पे तो पुलिस वाला नहीं पूछता, नहीं पूछता है इसको, ये लोगों का मासाब में आजाद है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मतलब के पी सकते हैं, पी सकते हैं मुस्लिम लोग। हाँ बाप पे अक्कड़ भी आते हैं ना तो वो पीते हैं भाई, हम नहीं उनमें से, हम नहीं पियेंगे। बाकी शराब इधर लाओ, ये शराब नया नया एक्सपीरियंस दिखाए आपको। ये गर्म, अच्छा पानी गर्म हो के वो उधर, एक पानी का गर्म होता है, एक पानी का ये शराब बेचता है, ये शराब का। अच्छा ये फाइनल शराब बन रही है, ये फाइनल शराब एक लंबाल का, ये पानी इसको आता है ना। सही हो गया, सही हो गया। बाकी रहते कहाँ पे हैं, सोते कहाँ पे? सोते यहाँ से सोते हैं उधर, मेहमानों के लिए जगह है, जगह ये दिखाए अंदर देख ले। चलो भाई दिखाए अंदर से, रोशनी है, चलो जी। ये अंदर से घर है इनका, यहाँ पे वो चार पाई वगैरह और ऊपर वो बाले वगैरह देख रहे, छत छुत। बाकी यहाँ पे यानी कि सारी फैमिली सोती है इनकी। अब निकले भाई यहाँ से, इस तरह के यहाँ पे है सोने के लिए, ये हो गया, बाकी किचन वगैरह ये हो गया इनका। मेहमानों के लिए अलग रखा हुआ है, मेहमानों के लिए भी सिर्फ यहाँ पर, हम सारा मुसलमान लोग के, ये क्लास लोग के, मुसलमान लोगों के लिए ये चीज तो बांधी है। हाँ हाँ, रास्ते में मेहमानों वाला भी दिखा देते हैं कहाँ पे मेहमान ठहरते हैं। चलो साइड पे होना, साहिल यहाँ पे कोई ऊपर से मेहमान आए, इनका रिलेटिव्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह कोई मेहमान आए या खुद भी रहते हैं ना। हाँ हाँ, और ये कमरा बहुत ही गर्म किया हुआ है उन्होंने, ये अंदर हीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे आग जला देते हैं और ये अंदर बहुत ही अच्छी हीट बनी हुई है। बाकी यहाँ पे बेड वगैरह और यहाँ पे वो जो सर के ऊपर पहनते टोपियाँ वगैरह, वो टोपियाँ ही टोपियाँ लगाई हुई हैं, दुकान पूरी बनी हुई है यहाँ पे। वैसे वैसे बता रहा हूँ पहनने के लिए उनके लिए। चलो बाहर निकलो, गर्म कमरा है उनका। बाकी ये भी सेम, इधर इधर ये लाइट कहाँ से जलती है? लाइट यहाँ पे भी पहुँचाई हुई है, ये कपड़े के ऊपर। ये हम लोग तो ना जब संदूक वगैरह नहीं होते उनके ऊपर हम लोग लगाते थे, तो ये दीवारों के ऊपर लगाई इस तरह करके,
ब्यूटी के लिए, बाकी नीचे कारपेट वगैरह जदीद दौर का, बाकी पुराना घर जो है वो उस साइड पे जो पहले दिखाया जहाँ पे शराब निकाल रहे वो पुराना तर्ज जिंदगी था। बाकी यहाँ पे वो डिश वगैरह लगाई हुई हैं, टीवी वगैरह देख सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह भी रखे हुए लड़कों ने किसी ने, कंप्यूटर वगैरह कंप्यूटर जो यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, अगर इन्होंने जाना हो ना तो ये जाते हैं चित्राल, चित्राल जाते हैं आप लोग जी, कोई चीज नहीं, 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंचता है चित्राल यहाँ से। जब बर्फ वगैरह पड़ जाती तब रास्ता ओपन ही रहता है, मतलब गुजर सकते हो जब बर्फ वगैरह पड़ जाती है। अरे नहीं नहीं सही था, कोई नहीं, सफाई ठीक थी, अच्छा था, बड़ा प्यारा बना हुआ था, बड़ी प्यारी आंखें थी यार इधर, बहुत बहुत प्यारी आंखें देख रहे थे, आंखें तो दिखा बच्चे, शर्मा गई शर्मा। वैसे वो नीचे बातें कर रहे थे कि कल तक ना बर्फ पड़ जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे स्टक हो जाए और ना निकल पाए। बाकी अभी तक रास्ता भी दिखाना आप लोगों को, वो और ज़्यादा एडवेंचर है, क्या बात है यार उसकी। ज़्यादा बंदे पता क्यों आते हैं, एक कड़वी सच्चाई है कि खूबसूरत लड़कियों की पिक्चर वगैरह देख के तो भाई साहब वो लड़कियाँ तो चलो क्लाश चलो, पर यहाँ पे भी जो रह रहे हैं वो भी इंसान है भाई साहब, उनमें भी वही गैरत सारा कुछ वही है। सभी खड़े होकर देख रहे थे, पता नहीं अब उनके लिए हम लोग अलहदा थे, अजनबी थे, कि वो हमारे लिए अजनबी थे, हम लोग उनकी तरफ अजीब अजीब करके देख रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। गाड़ी में बैठते हुए तो नहीं देख रहे थे बाबा की घे कहाँ पे जा रही शायद। अब भी इस तरह के लोग होते हैं कि मतलब कि जो बातें बनाने वाले पीठ पीछे होते हैं ना, होते हैं जी। इंसान तो इंसान है कहीं भी हो, नेचर तो ना चेंज होगी इंसान की। इधर आई हो हाँ। तो अपने अम्मी अब्बू से पूछ कर आई हो जी, पेरेंट से जी। हाँ ठीक हो, उनकी विल से भाई, ये नहीं कि खुद ही मुंह उठाया भाग गया। चलो नाम नहीं पूछा तुम्हारा, नाम क्या है मेन चीज तो भूल गया। अच्छा मेरा नाम कंदील है। कंदील, कंदील जी। कितने बहन भाई हो? 8 मेरे बहने हैं और 3 भाई है। 9 जी, 9। हैप्पी फैमिली माशाल्लाह। आर्मी के बाद कहाँ पे पढ़ने जाते हैं? इंटर के बाद नहीं। तो चित्राल में जाते हैं। चित्राल पढ़ने के लिए जाते हैं। चित्राल में जाते हैं जी, कोई इस्लामाबाद भी जाता है ना। ठीक ठीक ठीक, तो वो लोग सही यानी कि ट्रीट करते हैं जिस तरह यानी कि नॉर्मल पाकिस्तानियों को ट्रीट कर रहे होते हैं दूसरों को? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ क्लासी लोगों के लिए तो मतलब कोटा भी है। कोटा भी है और फ्री में पढ़ाते भी है। कोटा है भाई फ्री का, कैलाश के लिए कोटा है मुफ्त में पढ़ाई। कुछ व्यू भी इंजॉय करो साथ साथ, ऊपर वो बर्फ का ना फॉग सी उठ रही है, पिघल रही है ना इस वजह से करके। बर्फबारी कब स्टार्ट हो जाती है? बस आज से स्टार्ट होगी ना। आज से जी? आज निकलो भाई इससे पहले बर्फबारी स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे वैसे प्रॉपर्टी का क्या रेट है? ये जो जगह मिलती है परचेज करते हैं लोग, करते नहीं है यहाँ पे बाहर से आके लोग परचेज? हाँ करते हैं ना बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर क्या मतलब रेट क्या होता है यहाँ पे? रेट नहीं पता, नहीं पता मुझे, मैंने कभी पैसा नहीं पूछा भी नहीं है। यहाँ पे ना सैलाब बहुत बुरा आया था तकरीबन, बहुत पहले की बात है, 2015 में। हाँ 2015 में सारा नक्शा ही चेंज हो गया यार इस दर ना। पहले तो ये बहुत प्यारी थी ना, बहुत ज्यादा प्यारी टूरिस्ट आते तो ये कहते थे मतलब ये तो छोटा इस्लामाबाद है, ये पहले बहुत ज्यादा प्यारी थी माशाल्लाह, पता नहीं किसकी नजर लगी इसे। लोग प्यारे हैं भाई, सच्ची बात पूछो ना तो लोगों की वजह से ज्यादा लोग आते हैं कल्चर देखने के लिए इस जगह पे। YouTube के ऊपर आप भी आ लोग सर्च मारोगे ना और उनके सामने आ जाएगा काफ्रिस्तान, परियों का शहर। तो वो ये परियों के शहर में हम लोग घूम रहे हैं, एक परी हमारे साथ, ये वाली परी। आप लोग आओ तो फैमिली के साथ आइएगा, बाय गॉड इनकी असल नेचर आप लोगों को देखने को मिलेगी, आप लोग वाकई बोलोगे कि क्या बात है यार ये इंसान कितने ज़्यादा बड़े दिल के मालिक है भाई साहब, बहुत बड़े दिल के मालिक, हंसमुख नेचर, स्माइली फेस, ये सभी कुछ यहाँ की पहचान है, मैंने तो जहाँ तक फील की है। ज़्यादा नहीं तारीफ होगी? नहीं तो। रास्ता कंटिन्यू हुई और ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा है, दिखाएंगे आगे जाके भी आप लोगों को, ये तो आया पूरा रास्ता मैंने कैप्चर करना है ना। एडवेंचर लवर हो ना आ जाओ फिर मारो मज़े यहाँ पे एडवेंचर। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है, मैं ये भी मेंशन करना लाजमी यानी कि करूँगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है,
यहाँ पे टूरिस्ट के रिलेटेड एक बाकायदा बना हुआ है अलहदा इदारा, वो बाबर यहाँ पे वो सर्वेलेंस कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कोई मतलब कि थोड़ी बहुत ही भी होती है ना चीज़ तो उसको फौरन वो नोट करते हैं, उसको मना करते हैं भाई ये मत करो यहाँ पे। तो इस चीज़ से भी आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि चोरी चिकारी इस जगह पे नहीं है, चोरी चिकारी नहीं है ना यहाँ पे, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्पिटल में आते हैं ना तो कहते हैं कि चित्राल लेके जाओ, जब चित्राल जाते हैं ना तो कहते हैं कि पेशावर लेके जाओ। अच्छा अच्छा जी सही, जैसे जैसे आगे आगे बड़े बड़े हॉस्पिटल अच्छी सहूलत फैसिलिटीज जहाँ पे मिले। कौन कौन सी जगह घूमी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैं तो काम भी नहीं, बस अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी तक यहीं पे हो? हाँ नहीं, मैं चित्राल में पढ़ रही हूँ। छुट्टियों में आई हुई? मेरे ख्याल में और कोई सवाल मैंने छोड़ा तो नहीं है पूछने वाला, अब हाजिर नाजर कोई हो जो अगर छूट गया हो। चिट्टा कुक्कड़ बनेरे थे, लो जी वो है बनेरे के ऊपर, बनेरा तो नहीं है ये, छत के ऊपर है। यहाँ पे ज्यादा लोग शौक से क्या खाते हैं, मतलब कि कौन सी डिश ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे? क्लाश आप अपनी बता दो कि आपको कौन सी डिश पसंद है सबसे ज्यादा? सबसे पसंद बिरयानी। बिरयानी जी, वही पाकिस्तानी सभी की पसंद बिरयानी। देख लो ये नज़ारे देख लो बेटा, देखो देख रहे हो बड़े तेजी टूरिस्ट से गाड़ियाँ धड़ाधड़ आ रही है। बारह बजे ये म्यूजियम बंद हो जाता है, बंद हो चुका है अब ये क्लाश म्यूजियम। साइड पे चाचू रखी हुए, टूरिस्ट गाइड के घर पे जाएंगे भाई, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये सब्जी लेकर आए हुए हैं, यहाँ पे दुकानों में पहुँचाएंगे, आगे शॉप ले लेंगे। ये बर्फ का पानी जा रहा है सारा साथ साथ, जितना भी रास्ता हम लोग आए हैं सारे रास्ते में ये पानी साथ साथ ही था। आप लोग शायद नेक्स्ट टाइम आओ तो यहाँ पे नए नए घर बने होंगे। फिर सभी घरों के छतें वी शेप रखी गई है, इस तरह करके ना, इस तरह करके, इस तरह, ताकि वो स्नो हो और जब पिघले साइड साइड पे आ जाए। फाइनली हमारा होटल आ चुका है, कीचड़ वाला रास्ता स्टार्ट हो गया जी। तो ड्रेसेस लिए ना उनकी प्रॉपर शॉप्स बड़ी वाली है यहाँ पे, काफी ज्यादा आबादी है, काफी घर हैं, ये अच्छे वाले बने हुए हैं। अच्छा यहाँ से ऊपर जाना, ये अनीश गांव की है। अनीश वो जो ऊपर वो तो नहीं है? ऊपर ये मेरे घर नहीं, ऊपर है मेरे घर। अनीश गांव, ट्रेडिशनल हाउसेस, दीवार दूर बेशाली। ये भाई साहब गूगल सर्च के लिए कि मैटरनिटी होम क्या होते हैं, ये भाई मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला। रास्ता पक्का बनाया हुआ है, बीच में ये खाली सी बनाई हुई है, देख के डिगी ना, ये बड़ा अच्छा बनाया हुआ भाई साहब। ये गाड़ी है? ये घर है, बस नहीं गाड़ी आ रही, गाड़ी साइड पे साइड पे साइड पे। अच्छा ये पत्थर लेके जा रहा है, नया घर बन रहा होगा, घर बनाने के लिए ना? हाँ घर बनाने। हाँ हो गया जी, लो वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ज्यादा लोग पसंद, ओहो सवाल ही भूल गए। ये बहुत खुला होता है, बाकी बेल्ट लगा के ना फिर उसको जितना किसी का साइज हो, मोटे हो तो वो मोटे पहन सकते हैं बेल्ट लगा के। इसके साथ बेल्ट भी पड़े होंगे? हाँ तो वो ठीक है।